हम बना रहे हैं काठियावाल के चना पापड़ी चाट। तो सबसे पहले डाल देंगे कढ़ाई के अंदर ऑयल। ऑयल मैंने डाला है यहाँ पे 2 टेबल स्पून। ऑयल का हमें यहाँ पे ज्यादा इस्तेमाल जो है वो नहीं करना। ऑयल चला गया तो मैं इसके अंदर डालूंगी लहसुन का और अदरक का पेस्ट। मैंने यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून लहसुन का और 1/2 टीस्पून अदरक का। इसे कर लेना है मिक्स अच्छी तरह से। लहसुन को बहुत अच्छी तरह से हमने पकाना है कि एक अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लग जाए। अच्छी सी इसमें से खुशबू जैसे ही आने लगेगी तो मैं इसमें बाकी मिलेगा जो है वो डाल देंगे। ये हो गया तो मैंने इसके अंदर डाल देना है लेमन जूस 1 टेबल स्पून भर के। कैचअप तकरीबन 3 टेबल स्पून है मेरे पास, वो मैं इसमें डाल दूँगी और इसे करूँगी अच्छी तरह से मिक्स। ये हो गया तो इसके अंदर मैं इमली का पल्प डाल दूंगी 1 प्याली। मैंने यहाँ पे बहुत गाढ़ा नहीं रखा, इमली को भिगो दिया था 1 घंटे के लिए गर्म पानी में, तो उसके बाद उससे मिक्स कर लिया, गुठलियाँ निकाल दी और सिर्फ उसका पल्प सा रह गया। और इसके साथ ही सोया सॉस जाएगी 1 टेबल स्पून। अब इतना इंतजार करते हैं कि ये अच्छी तरह से पहले पकने, ये पकने लग गया है तो अब मैं इसके अंदर मसाले डाल दूंगी। कुछ नमक मैंने डाला है 1/2 टीस्पून, चिकन पाउडर है 1 टीस्पून, इसके साथ ही सुरख मिर्च है मोटी कुटी हुई 1/2 टीस्पून, ये थोड़ा सा स्पाइसी होता है, धनिया जो है वो है मेरे पास 1 टीस्पून, सब्ज मिर्च है मेरे पास पिसी हुई चॉप कर लिया था इसे, ये है 1 टीस्पून। ये डाल के इसे पहले मिक्स कर लेती हूँ फिर बाकी की चीज़ें जो हैं वो इसमें डाल दूँ। काला नमक है 1/2 टीस्पून। नमक और मिर्च अपनी मर्जी के हिसाब से आप इसमें कम या ज़्यादा जो है कर सकते हैं। अगर आपको कम पसंद हो तो आप इसमें कम डाल दें, और अगर आपको इसमें स्पाइसी ज़्यादा करना है तो आप इसमें नमक जो है वो ज़्यादा डाल दें, नमक में अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। ठीक है, चाट मसाला है 1 टीस्पून। ये सारी चीज़ें चली गई तो अब इसे कर लिया है अच्छी तरह से मिक्स। अब इसमें बॉइल्ड चने जाएंगे। चने मैंने पहले भी बॉइल कर लिए थे, मेरे पास चने हैं 2 प्याली, और चने हमारे जो हैं वो 100% बॉइल होने जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखते हैं कि ये एक दफ़ा अच्छे से पकने लग जाए फिर इसमें बाकी चीज़ें डालती हूँ। आलू को बॉइल करने के लिए मैं इसके अंदर डाल दूँगी नमक, इससे आलू जो हैं वो फीके नहीं रहते, और इसके साथ ही थोड़ी सी कलर के लिए हल्दी। ये 2 चीज़ें मैंने इसमें डाल ली हैं। डालने के बाद इनको कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स। तो आलू बॉयल हो जाए हम दूसरी चीज़ें इतनी देर तक रेडी कर लेते हैं। अच्छी तरह से हमने इसको 100% गला लेना है। आलू को चेक कर लेते हैं हुए हैं कि नहीं हुए। आलू हमारे बॉयल हो गए, ये देखें कलर भी कितना अच्छा है, और यही इसी तरह से कलर चाहिए था। चूल्हा मैं बंद करती हूँ। अब मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। एक टमाटर था ज़रा बड़े साइज़ का, उसकी कटिंग कर ली थी। एक कटा हुआ मैंने इसके अंदर प्याज डाल देना है, और मेरे पास एक बहुत बड़े साइज़ का आलू था जिसे मैंने बॉइल किया था तो वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। ठीक है, तो अब ये हो गया है तो अब मैं इसका चूल्हा बंद करती हूँ और इसमें हम डिश आउट करती हूँ, और इसमें वो चीज़ें डालती हूँ जो हमें बाद में इसमें डालनी है। अब जो चीज़ें रहती थी इसमें वो डाल देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जाएगी ग्रीन चटनी, जिसमें मैंने डाला था धनिया पुदीना और सब्ज़ मिर्चें। ठीक है, उसके साथ ही यहाँ पर जाएंगे टमाटर और थोड़े से प्याज, और यहाँ पे मैं डाल दूँगी पापड़ी इस तरह से इसको बारीक बारीक करके। तो ये है इसकी फाइनल लुक। अगर ज़बरदस्त सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।